नमस्कार दोस्तों, नव भारती पीटी कॉलेज में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको वाक या वाणी दोष वाले बालकों के बारे में बताऊंगी। आप सब जानते हैं बच्चों कि अगर बच्चे को समावेशी शिक्षा देना है तो क्या करना होगा, उसके पहचान करनी पड़ेगी, विशिष्ट बालकों की पहचान करनी पड़ेगी और विशिष्ट बालकों के शारीरिक दोष वाले बच्चों में वाक या वाणी दोष वाले बालक आते हैं। अब आती है बात कि वाक या वाणी दोष होता क्या है। हकलाना, तुतलाना, अच्छे से नहीं बोल पाना, मुंह से सही उच्चारण नहीं होना, ध्वनि जो बोलना चाहता है वो नहीं बोल पाना, वाक या वाणी दोष के नाम से जाना जाता है। तो वाक या वाणी दोष किसे कहेंगे? उसे कहेंगे जो कर्कश स्वर में बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, गलत उच्चारण करते हैं, हकलाते हैं, तुतलाते हैं, उन बच्चों को वाक या वाणी दोष वाले बालक कहते हैं। और इन बच्चों को अगर उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाए तो इन बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। वाक या वाणी दोष की परिभाषा हरलॉक ने क्या दी? हरलॉक कहते हैं अशुद्ध उच्चारण में अक्षर ध्वनि का प्रतिस्थापन होता है। जब बच्चा गलत उच्चारण करता है तो ध्वनि जो बोल रहा है उसका क्या कर देता है, ध्वनि जो बोली जाती है उसका प्रतिस्थापन कर देता है, मतलब उलट फेर कर देता है, उसे ही वाक या वाणी दोष के नाम से जाना जाता है। तो हर लोग क्या कहता है? हर लोग कहता है अशुद्ध उच्चारण में अक्षर ध्वनि का प्रतिस्थापन होता है, उसे ही वाक या वाणी दोष कहा जाता है। लाहन व कॉपमैन कहते हैं वाणी मुखर भाषा की ध्वनि को क्रमबद्ध और व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। हमारी जो भी भाषा है उसका क्रमबद्ध और व्यवहारिक रूप से अभिव्यक्त करना ही भाषा है, लेकिन जब इससे भिन्न स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम जो व्यक्त करना चाह रहे हैं वो व्यक्त नहीं हो पा रहा है, तो इस स्थिति को हम वाक दोष कहते हैं, वाणी दोष कहते हैं। तो ये दो परिभाषाओं के आधार पर आप समझ सकते हैं कि वाक या वाणी दोष वाले बालक कौन कौन से होते हैं। अब है दोष कैसे, किस टाइप के होते हैं, तो वाक या वाणी दोष के हम पांच प्रकार बता सकते हैं। पहला है उच्चारण दोष। कौन सा है? उच्चारण दोष। आप जानते हैं कई बच्चे सह, सह और शह, इन शब्दों का गलत उच्चारण करते हैं। कई बच्चे कै, खै, गै और इन वर्णों का उच्चारण मैं की जगह सह, सह की जगह रह, अगर इन वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बच्चा उनमें उच्चारण दोष पाया जाता है, उसके अंदर व्याकरण के ज्ञान का अभाव है, उसको बाल्यावस्था में उच्चारण नहीं सिखाया गया, भाषा का ज्ञान नहीं कराया गया, व्याकरण का ज्ञान नहीं करवाया, तो टीचर की गलती के कारण बच्चों में उच्चारण दोष आ जाता है। और वो क्या करते हैं, पानी को मानी, करेला को कसेला, करेला को कसेला प्रतिस्थापन कर देते हैं ध्वनि का, तो उसको बोलते हैं बच्चों उच्चारण दोष। मतलब यहां पर पानी को पै की जगह मै की जगह पै का उच्चारण करते हैं, करेला को कसेला बोलते हैं, तो ऐसे बच्चों को में जो दोष पाया जाता है उसको बोलते हैं उच्चारण दोष। अब है हकलाना। कई बच्चे ऐसे होते हैं बोलना चाहते हैं, उनको पता है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनके गले में ही वो बात रुक जाती है। ऐसे बालकों में जो समस्या है वो कौन सी है, हकलाने वाले बालक वो होते हैं। जब बच्चा हकलाता है, और ये हकलाने की जो समस्या है वो युवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था सभी बालकों में देखी जा सकती है। तो हकलाना वो जो समस्या है उसके कारण बच्चे में हीन भावना का विकास
हो जाता है, उसमें दुष्ट चिंताएं आ जाती है, कुंठा का विकास हो जाता है, उस उन वो बच्चे अंतर्मुखी हो जाते हैं, उनमें संप्रेषण कौशल का विकास नहीं हो पाता है। तो अकलाना, तुतलाना, तुतलाना आप जानते ही होंगे, शेषावस्था में बच्चा तुतला तुतला करके बोलता है, तो उसका जो तुतलाना है अगर बाल्यावस्था में आते आते कम नहीं होता है तो कई बच्चे वो जो तुतलाने वाली बात है वो बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था तक भी जारी रहती है। तुतला करके बोलते हैं मतलब यह अटक अटक करके बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, वो है तुतलाना। फिर है आवाज की समस्या, कई बच्चों की आवाज बहुत भारी होती है, अस्पष्ट होती है, बोलते कुछ और है हमें समझ में और कुछ होता है, मतलब उनकी आवाज स्पष्ट रूप से गले से नहीं निकल रही होती है। तो कई बार जो समस्या है वो कौन सी है, आवाज की समस्या। स्वर्ण बाधित बालकों में वाणी दोष, अब आपको पता है बच्चों जो बच्चा सुनेगा नहीं वो बोलेगा कैसे, तो वो बच्चे जिनको ऊंचा सुनाई देता है, जो बच्चे स्वर यंत्रों की सहायता से सुनते हैं उन बच्चों में भी वाणी दोष पाया जाता है। तो हम वाणी दोष के 5 भागों में बांट सकते हैं, उच्चारण दोष जिनमें भाषा व्याकरण का अभाव होता है, हकलाना जिनको जिनके स्वर यंत्र में कमी के कारण या गले से बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, जिनको चिकित्सकीय परीक्षण की आवश्यकता होती है, हकलाना, तुतला करके कई बार हमारी जो आदतन चीजें होती है वो आगे जाकर के हम कौन सी लैंग्वेज तुतलाना बोलना बच्चा स्टार्ट कर देता है। आवाज की समस्या, कई बच्चों की आवाज बहुत ही अस्पष्ट होती है, समझ में नहीं आता है, तो इन बच्चों में भी भारी आवाज होती है, पतली आवाज होती है या अस्पष्ट आवाज होती है। स्वर्ण बाधित बालकों में भी वाणी दोष पाया जाता है क्योंकि जो बच्चा सुनेगा नहीं उसमें उच्चारण दोष पाया जाएगा और उसमें हकलाहट भी होगी, तुतला भी सकता है और हो सकता है कि वो बच्चा कुछ भी नहीं बोल पाए। तो ये जो है वाणी दोष के 5 प्रकार पड़े। अब बात आती है कि वाणी दोष आता क्या है, वंशानुक्रम। आप जानते हो कि जिन वंशानुक्रम में बात यह है कि हम हमारे आसपास में जो हमारे माता पिता है अगर उनमें वाणी दोष पाया जाता है तो बच्चे में भी वो वाणी दोष आ जाता है। जिस बच्चे के माता पिता मुख बधिर है तो उन बच्चों में भी क्या आ जाता है, वाणी दोष आ सकता है। जिनके माता पिता स्वर्ण बाधित है उन बच्चों में भी वाणी दोष आ सकता है। वातावरण, अगर परिवार के सदस्य और उनके आसपास का वातावरण, पड़ोस का वातावरण अगर क्या नहीं है, वहां पर सही तरीके से शब्दों को नहीं बोला जा रहा है, उच्चारण का दोष पाया जाता है, शिक्षक में उच्चारण का दोष है, शिक्षक को भाषा का ज्ञान नहीं है, तो भी बच्चे में वाक दोष आ जाता है। फिर आता है बच्चों स्वर संबंधी दोष, अगर कोई बच्चा जन्म से सुन नहीं पा रहा है तो वो बच्चा बोलेगा कैसे, उसमें भाषा का ज्ञान ही नहीं होगा, भाषा का विकास ही नहीं होगा, तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं, स्वर्ण संबंधी। दृष्टि संबंधी दोष, आप जानते हो ब्लैक बोर्ड पर टीचर के द्वारा लिखा जाता है, अगर बच्चा उसको देख नहीं पा रहा है तो वो उसका क्या नहीं कर पाएगा, अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाएगा, और जब बच्चा अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाएगा बच्चों, तो उसमें वाक या वाणी दोष आ सकता है, उसमें संप्रेषण कौशल का अभाव हो सकता है। तो जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं और जो स्वर्ण बाधित बच्चे हैं उनमें वाक दोष आ सकता है। ध्यान का अभाव, कई बच्चे जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं माता पिता के द्वारा सिखाने पर या शिक्षक जब उच्चारण कौशल के द्वारा या मौखिक संप्रेषण के माध्यम से बच्चों को समझा रहा होता है तब कई बच्चे क्लास में ध्यान नहीं दे पाते और वो आगे तक उसी गलती को बार बार दोहराते हैं। उच्चारण में दोष है, सह को शह बोल रहा है लेकिन फिर भी उसको वो बात समझ नहीं रहा है कि किस प्रकार हमें क ख ग घ जब उच्चारण करवाता है टीचर तो उस समय उसका ध्यान नहीं होता, तो वो भी वाक दोष का कारण बन सकता है। तो वाक दोष का पहला कारण है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण, तीसरा है स्वर्ण संबंधी दोष,
चौथा है दृष्टि संबंधी दोष और पांचवा है ध्यान का अभाव। तो ये सब होने के कारण बच्चे में वाक या वाणी दोष आ सकता है। अब हमें पता कैसे चले कि किस बच्चे में वाक दोष पाया जाता है, उसकी पहचान कैसे करेंगे कक्षा में, तो उसके कुछ लक्षण हैं जिनके आधार पर हम समझ सकते हैं कि बच्चे में वाक या वाणी दोष पाया जाता है। पहला, पढ़ने में अगर बच्चा दिक्कत महसूस कर रहा है, आप किसी बच्चे को क्लास में खड़ा करके बोलते हो कि इस चैप्टर को आप पढ़ो, लेकिन बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, इसका मतलब है वो उस लैंग्वेज को समझ ही नहीं पा रहा है या उसमें हकला करके बोल पा रहा है, उच्चारण का दोष हो सकता है। कमजोर वर्तनी, कमजोर वर्तनी का मतलब है कोई बच्चा मात्रा सही नहीं लगा रहा है, सी का उच्चारण शी और शी में अगर वो फर्क नहीं कर पा रहा है तो कमजोर वर्तनी होने के कारण भी बच्चा सही तरीके से नहीं बोल पाएगा। भाषा का ज्ञान नहीं है, भाषा व्याकरण का ज्ञान नहीं है, तो उसकी कमजोर वर्तनी होगी और बच्चे में वाक दोष आ जाएगा। विचारों को संगठित करके लिखने में दिक्कत, अगर व्याकरण सही नहीं है, उच्चारण दोष है, ध्वनि में परिवर्तन कर लेता है तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा विचारों को संगठित नहीं कर पाएगा, और जब विचारों को संगठित नहीं कर पाएगा तो वो लिख भी नहीं पाएगा। अक्षरों को उल्टा पढ़ना और लिखना, कई बच्चे अक्षरों को उल्टा लिख देते हैं, जैसे कै है खै है गै, तो कई बार इन अक्षरों को उल्टा लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि वो उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो कम अक्षरों को उल्टा पढ़ लिख रहे हैं, कमजोर व्याकरण है। अगर लिखना, ये लिखना मिली की मात्रा क्या है कि छोटी, तो यहाँ पर क्या है, उसकी व्याकरण कमजोर है, उसको भाषा का उच्चारण सही तरीके से नहीं करवाया गया, भाषा व्याकरण का ज्ञान अच्छे से नहीं दिया गया, तो बच्चे में वाक दोष आ जाता है। देर से बोलना शुरू करते हैं कई बच्चे, आपको मैंने बताया था कि डेढ़ साल का जो बच्चा होता है वो कुछ बोलने लग जाता है, कुछ शब्द बोलने लग जाता है, और ढाई साल का बच्चा वाक्य बनाने लग जाता है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चा क्या है, वाक दोष से आगे जाकर के पीड़ित हो सकता है। विचारों को संगठित करके लिखने में दिक्कत, मतलब यहाँ पर बच्चों ये है कि अगर कोई बच्चा विचारों को संगठित करके लिख नहीं पा रहा है तो इसका मतलब है कि उस बच्चे में वाक या वाणी दोष पाया जाता है। तो पढ़ने में दिक्कत है, कमजोर वर्तनी है, विचारों को संगठित नहीं कर पा रहा, अक्षरों को उल्टा पढ़ना और लिखना, उल्टा पढ़ रहा है लिख रहा है, कमजोर व्याकरण है, उसकी लिखावट बहुत ही खराब है, देर से बोलना शुरू करता है, और विचारों को संगठित करके लिखने में अगर बच्चे को दिक्कत हो रही है बच्चों, तो इसका मतलब है उस बच्चे में वाक या वाणी दोष पाया जाता है। अब आता है बच्चों शिक्षा की, वाक या वाणी दोष से पीड़ित बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए। तो पहला है दुश्चिंता से मुक्ति। आप सब जानते हैं कि अगर बच्चे को में वाणी दोष पाया जाता है तो बच्चे में हीन भावना का विकास हो जाता है, वो बच्चा अंतर्मुखी बन जाता है। तो जो बच्चा अंतर्मुखी हो जाता है तो अगर उसको ये बात बताई जाए, उसको धीरे धीरे चिकित्सकीय परीक्षण करवाया जाए, उनको किसी अभ्यास का प्रशिक्षण परीक्षण करवाया जाए, उसका बार बार में उससे अभ्यास करवाया जाए, क्योंकि बार बार उसी वर्ड का उच्चारण करेगा तो उसको दुश्चिंता से मुक्ति मिल सकती है। मतलब वाक दोष से पीड़ित बच्चों को में जो उच्चारण दोष पाया जाता है उसकी विशेष कक्षाएं लगवाकर उसके उच्चारण दोष को खत्म कर सकते हैं और उसमें जो हीन भावना आ गई है उससे मुक्ति दिलाई जा सकती है। माता पिता द्वारा ध्यान, अगर माता पिता द्वारा बचपन से ही बच्चों के उच्चारण कौशल पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चा देर से बोल रहा है, उच्चारण करने में दिक्कत हो रही है, पानी को मानी बोल रहा है, करेला को कसेला बोल रहा है, तो ये सब दिक्कतें अगर बच्चों को आ रही है तो उनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उच्चारण की क्लासें उन बच्चों को दिलवानी चाहिए। अगर माता पिता उस बच्चे पर ध्यान दे, माता पिता उसको बार बार में सिखाए, तो बच्चा वाक दोष से पीड़ित अगर है तो उसका समाधान किया जा सकता है। भाषा के नियमों को बताना, अगर हमने बच्चे को भाषा के नियम बता रखे हैं, छोटी ई बड़ी ई की मात्रा है, वाक्य में कौन से सेंटेंस को कहाँ लिखेंगे, कर्ता क्या है, कर्म क्या है,
ये सब चीजें आपकी कारक क्या है, ये सब चीजें अगर बच्चे को बताएंगे तो बच्चे में जो वाक दोष आ रहा है, जो उच्चारण लिखने में वो गलती कर रहा है, जो लिखावट में वो गलती कर रहा है, उससे निजात पाई जा सकती है। उपयुक्त वाक अभ्यास, आप सब जानते हो बच्चों कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनको बार बार अभ्यास करवाया जाता है, उच्चारण करवाया जाता है, बार बार शब्दों को लिखना पढ़ना, कलम मकान भवन ये सब बार बार में बुलाए जाते हैं, ताकि जितना बच्चे को वाक अभ्यास करवाया जाएगा उसका जो उच्चारण दोष है, उसका जो हकलाना है, उसका जो तुतलाना है, वो धीरे 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 उपयुक्त वाक अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से कम किया जा सकता है। उसके बाद आता है बच्चों क्या, लज्जा और घबराहट से बचा। आप सब जानते हैं अगर कोई बच्चा तुतला रहा है, अगर कोई बच्चा हकला रहा है, आपको बताए कई बच्चे ऐसे होते हैं अगर अकेले बोलते हैं तो कम हकलाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बड़ी भीड़ में बोलते हैं तो और ज़्यादा हकलाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही कम हो जाता है, बच्चा अपने आप में लज्जा और घबराहट महसूस करता है। तो जब बच्चे में लज्जा और घबराहट आती है तो बच्चा और ज़्यादा हकलाने लगता है। तो इसके लिए बच्चे को बार बार बुलवाना चाहिए, भीड़ में बुलवाना चाहिए, अकेले में उससे बात करनी चाहिए कि जितना बच्चा बोलेगा उसकी घबराहट दूर होगी, उसकी लज्जा दूर होगी, और बच्चे को वाक दोष से अगर बच्चा पीड़ित है तो उससे निजात दिलाई जा सकती है। फिर आता है बच्चों भाषागत समस्या का समाधान। आप जानते हो कई बच्चों को इंग्लिश बोलने में दिक्कत आ रही है, कई बच्चे तमिल नहीं बोल पाते, कई तेलुगु नहीं बोल पाते, या कई बच्चे हिंदी को अच्छे तरीके से नहीं बोल पाते हैं, तो इन समस्याओं का समाधान के लिए उनको अलग से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रिया अभिप्रेरणा, मैंने आपको बताया कि बच्चा हकला रहा है, बच्चा तुतला रहा है, ध्वनि में परिवर्तन कर रहा है, तो धीरे धीरे उसको बुलवाना चाहिए, उसको बार बार मोटिवेशन देना चाहिए, तूने अच्छा किया, चार या पांच बार और ज़्यादा उच्चारण करेगा तो बहुत अच्छा बोल पाएगा। धीरे 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 उसकी हकलाने और तुतलाने की जो मनोवृत्ति है बच्चों वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। फिर है अभिगम सामग्री व विधियों का प्रयोग। आप सब जानते हैं कि जो जिस बच्चे को स्वर्ण यंत्रों की सहायता से जो बच्चे सुन रहे हैं, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, उनको इस प्रकार की अधिगम सामग्री और विधियों से पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि उनमें वाक दोष या वाणी दोष वाले जो अवगुण हैं वो नहीं आए। तो इस प्रकार की शिक्षक को अधिगम सामग्री और विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि बच्चा वाक दोष से पीड़ित ना हो, अगर है भी तो धीरे 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 उसमें कमी हो जाए। फिर आता है दोष पर बल नहीं, बच्चा गलत बोल रहा है तो उस पर ध्यान नहीं, धीरे 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 उसको अभ्यास कराना चाहिए। अगर बार बार हम उसकी गलतियों को निकालेंगे तो बच्चा हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा और जो उसकी हकलाने की प्रवृत्ति है वो और ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब बच्चे में अभिप्रेरणा का अभाव होता है तो बच्चा और ज़्यादा हकलाता है, जब भीड़ होती है तो उसका कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। लज्जा और घबराहट से बचाओ मैंने बता ही दिया। तो इस प्रकार की शिक्षा अगर वाक दोष से पीड़ित बच्चों को दी जाएगी तो बच्चा समावेशी बालकों के साथ अध्ययन कर सकता है, सामान्य बालकों के साथ अध्ययन कर सकता है। तो एक सामान्य शिक्षक जो कि आप सब शिक्षाविद है, आपको ये समझना होगा कि अगर कोई बच्चे में उच्चारण दोष है, ध्वनि परिवर्तन का दोष है, अस्पष्ट भाषा है, तो हिंदी के जो शिक्षार्थी है शिक्षाविद है उनको तो ज़्यादा ध्यान रखना है कि वाणी दोष वाले जो बालक है उनकी घबराहट को कैसे दूर करें, उसके उच्चारण दोष को कैसे दूर करें, उसकी व्याकरण की कमी को दूर कैसे करें, वो इस तरह के उपाय अपना कर हम उसके वाणी दोष को कम कर सकते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा वाक या वाणी दोष वाले बालक, जिसमें हमने दो डेफिनेशन पढ़ी, हरलोक की, लोहन व कॉकमैन की। हरलोक कहते हैं अशुद्ध उच्चारण में अक्षर ध्वनि का प्रतिस्थापन होता है, पानी का मानी, करेले का कसेला। लाहन व कॉकमैन कहते हैं कि वाणी मुखर भाषा की ध्वनि को क्रमबद्ध और व्यवहारिक अभिव्यक्ति है, लेकिन जब बच्चे में इससे भिन्न स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी स्थिति को हम वाक दोष वाले बच्चे कहते हैं। फिर आते हैं कि इन जो वाक या वाणी दोष वाले बालक हैं उनको हम पांच भागों में बांट सकते हैं। पहला उच्चारण दोष,
दूसरा हकलाना, तीसरा उतलाना, चौथा आवाज की समस्या, पांचवा स्वर्ण बाधित बालकों में वाणी का दोष। फिर आता है बच्चों कारण, वंशानुगत, अगर माता पिता बधिर है, स्वर्ण बाधित है, तो उनके बच्चों में वाणी बाधित दोष आ सकता है। वातावरण, अगर परिवार का वातावरण अच्छा नहीं है, परिवार के लोगों में, माता पिता में, आसपास के लोग अगर गलत उच्चारण करते हैं, तो वहां पर भी बच्चे में वाक दोष पाया जा सकता है। स्वर्ण संबंधी, जो बच्चे सुन नहीं सकते, ऊंची आवाज को सुन पाते हैं, स्वर यंत्रों की सहायता से सुनते हैं, उन बच्चों में भी वाक दोष ज्यादा पाया जाता है। और जो देख नहीं पाते बच्चे, उन बच्चों में भी वाक दोष पाया जाता है। और जो बच्चे क्लास में ध्यान नहीं देते, उन बच्चों में भी वाणी दोष पाया जाता है। अगर बच्चा पढ़ने में दिक्कत कर रहा है, कमजोर वर्तनी कर रहा है, विचारों को संगठित करके लिख नहीं पा रहा है, अक्षरों को उल्टा पढ़ रहा है, लिख रहा है, कमजोर व्याकरण है, अत्यंत खराब लिखावट है, देर से बोलना शुरू करता है, तो ऐसे बच्चे वाक दोष से पीड़ित होते हैं। और ऐसे बच्चों के लिए उनमें जो दुश्चिंता है, उससे उनको दूरी मुक्ति दिलानी चाहिए, विशेष प्रशिक्षण के द्वारा, माता पिता द्वारा उस बच्चे पर उपयुक्त ध्यान दिया जाना चाहिए। भाषा के नियमों को बच्चे को बताना चाहिए, उपयुक्त वाक अभ्यास करवाना चाहिए। लज्जा और घबराहट से बच्चे में कैसे दूर हो, इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। भाषागत समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। पर्याप्त बच्चे को अभिप्रेरणा देनी चाहिए। अधिगम सामग्री और विधियों का प्रयोग होना चाहिए और दोष पर बल नहीं देना चाहिए। इन सब चीजों के आधार पर हम वाक दोष से पीड़ित बच्चे को समावेशी शिक्षा में शामिल कर सकते हैं। तो विशिष्ट बालकों में आपके वाक या वाक दोष से पीड़ित बच्चे आते हैं, तो उन बच्चों की पहचान कैसे करेंगे, वाक दोष के कारण क्या है, ये सब हमने वीडियो में देखे। आप सबको इस वाक या वाणी दोष वाले जो ये नोट्स हैं, इनको कॉपी में नोट डाउन करना है। बीएड सेकंड ईयर वाले जो बच्चे हैं, उनको भी नोट डाउन करना है। सीटेट रीट वाले बच्चों को भी इसको नोट करना है, कॉपी में लिखना है। और आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाती रहूं, तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। और मैं रेनू बैद आपको शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाऊं, तो मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और नोट्स बनाएं। धन्यवाद।